Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And we are discussing the topics under educational psychology nowadays, and today I am going to discuss a new topic under the main heading of educational psychology, that is problem solving. When we are learning about critical thinking, creativity, thinking styles, then a topic emerged, problem solving. It is a very unique, you can say, and not so complex topic, but many questions have been asked from this topic. So today I am going to cover this topic of educational psychology, that is problem solving behavior, or you can say problem solving skills in psychology. And the lecture will be in bilingual mode and very useful as usual. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स समस्या समाधान, हिंदी में बोले तो समस्या समाधान. तो समस्या समाधान का कौशल, मतलब समस्या कैसे समाधान करता है मनुष्य, क्या उसके ब्रेन में प्रोसेसिंग चलती है, क्या स्टेप्स होते हैं समस्या समाधान के, समस्या समाधान थिंकिंग में किस स्टेज पे पहुंच अपने रहता है, उसकी हायरार्की का लेवल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है तो कैसे उसको क्लासरूम में हम इम्प्लीमेंट करें, क्या वो फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के मार्ग में आते हैं, मतलब ऑब्स्टिकल्स की तरह काम करते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या? द प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू ओवरकम डिफिकल्टीज. सिंपल है ना, कि कोई पहले तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, तभी तो उसका सोल्यूशन किया जाएगा. तो वो प्रक्रिया जिसमें इंडिविजुअल्स ये प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी समस्याएं आई हैं वो उनसे पार हो जाए, उबर जाए, एंड अचीव प्लान्स दैट मूव देम फ्रॉम ए स्टार्टिंग सिचुएशन टू द डिजायर्ड गोल. और वो प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, ताकि वो उस स्थिति से, जिस स्थिति में है, अपने वांछित लक्ष्य तक पहुंच जाए, या रीच कंक्लूजन्स थ्रू द यूज ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस, है ना, उसमें उच्च स्तरीय मानसिक संक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं. इसका मतलब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग के स्टेज में कहीं हायर स्टेज पर लाई करता है, सच एज रीजनिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, जैसे कि तार्किक क्षमता, हमारा सृजनात्मक जो चिंतन की क्षमता है, वो सब. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सीन इन नॉन ह्यूमन एनिमल्स ऑल्सो, है ना, जितने भी आपके साइकोलॉजी के ये आपके बिहेवियरिज्म वाले प्रैक्टिकल हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो सब नॉन ह्यूमन पे हुए हैं, लेबोरेटरी में हुए हैं, कंट्रोल कंडीशन में हुए हैं, है ना, इन्वॉल्विंग मेजेस, जैसे कि पहेली है, उनको बाहर निकलना है, उनको भोजन पाना है, तो सब उन्होंने क्या किया है, एंड अदर टेस्ट्स एज वेल एज इन नेचुरल सेटिंग्स टू ऑब्टेन हिडन फूड्स, छुपा हुआ भोजन है जो पाना है, रास्ता है जो खोजना है, तो इस सब में भी तो उन्होंने प्रॉब्लम ही सॉल्व की ना. फिर अ डेलिबरेट एंड पर्पजफुल एक्ट, सबसे बड़ी बात की डेलिबरेट एक्ट, बैठे बैठे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हो जाती है, उसके लिए हमको एक्टिवली काम करना पड़ता है, पर्पजफुल है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण एक्ट है ये ऑन द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के पार्ट पे, टू रियलाइज द सेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बाय इन्वेंटिंग सम नोवेल मेथड्स, मतलब हमको कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा, इसीलिए क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व हो रही है इसमें, क्रिएटिव थिंकिंग भी आ जा रही है, और सिस्टमेटिकली फॉलोइंग सम प्लान स्टेप फॉर द रिमूवल ऑफ द इंटरफेरेंसेज एंड ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ दीज गोल्स, यानी कि जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, जहां तक हमको पहुंचना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मार्ग में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको हटाना पड़ेगा किसी प्लान्ड स्टेप के तहत, या हमको कुछ बड़ा यूनिकली और बड़ा नोवेल तरीके से सोचना होगा, है ना. व्हेन यूजुअल मेथड्स लाइक ट्रायल एंड एरर, हैबिट फॉर्मेशन एंड कंडीशनिंग फेल. आई एम सो सॉरी. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कब हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, जब ट्रायल एंड एरर हमारा काम नहीं कर रहा है, हैबिट फॉर्मेशन मतलब आदतन जो हम काम करते हैं उससे हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, या कंडीशनिंग हमारी भी फेल हो जा रही है, तब प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कहीं हायर मेंटल थिंकिंग है. इतनी बात तो यहीं से समझ में आ गई. अब डेफिनेशन पे आते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखें, जैसे कि वुड्सवर्थ एंड मार्क्विस इसको डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर अकर्स इन द नोवेल और डिफिकल्ट सिचुएशंस. नोवेल का मतलब नई सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो पहले हम पर नहीं आई है, डिफिकल्ट सिचुएशन कठिन परिस्थिति है, इन विच ए सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेनेबल बाय द हैबिचुअल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स डिराइव्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस इन अ वेरी सिमिलर सिचुएशन. मतलब पहले सिमिलर सिचुएशन में हमारा जो अनुभव है, ऐसी कोई बात आती रही है, तो हम उसको आदतन जिस तरीके से सॉल्व करते रहे हैं, उस तरीके से उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, हल नहीं निकल रहा है. इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर हमारे लिए कोई मुश्किल की घड़ी है, हमारे लिए कोई ऐसी घड़ी है जो नूतन घड़ी है हमारे लिए, हमको
ऐसी समस्या से कभी हम दो चार नहीं हुए हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि हायर मेंटल फंक्शंस इनमें इन्वॉल्व होंगे, नॉवेल तरीके से सोचना पड़ेगा, हैबिट आपका कोई हला भला नहीं कर पाएगा. देन स्किनर, स्किनर क्या कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज दैट अपीयर टू इंटरफेयर विद द अटेनमेंट ऑफ ए गोल. ठीक है, यानी कि हमारा गोल है, हम यहाँ हैं, लेकिन गोल तक पहुंचने में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं, तो उसको क्या करना है, हमको ओवरकम करना है. और इट इज अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट्स इन स्पाइट ऑफ इंटरफेरेंसेस, यानी कि बाधाएं आएंगी उसके बावजूद हमको एडजस्टमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है वही प्रॉब्लम सॉल्विंग. फिर मेयर एंड विट्रॉक इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि समवॉट लेस ओपन एंडेड देन क्रिएटिव थिंकिंग. मतलब क्रिएटिव थिंकिंग में वो क्या कहा जाता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आप जितने विविध उसके उत्तर ढूंढ सकते हैं, जितने विविध रास्ते निकाल सकते हैं, वो क्रिएटिव थिंकिंग है. तो क्रिएटिव थिंकिंग से तो थोड़ा कम ओपन एंडेड है. ओपन एंडेड तो है, क्रिएटिविटी तो इन्वॉल्व होगी इसमें. प्रॉब्लम सॉल्विंग द एनालिसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ टास्क और सिचुएशंस दैट आर कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस एंड दैट पोज डिफिकल्टीज और ऑब्स्टेकल्स ऑफ सम काइंड. मतलब क्रिएटिव थिंकिंग है लेकिन उससे ओपन एंडेड, उससे थोड़ा सा कम ओपन एंडेड है. इसमें भी हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे टास्क के, सिचुएशंस जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, जो कि एम्बिगुअस है, मतलब हमको क्लियरली डिफाइंड भी नहीं है, और जो डिफिकल्टी हमारे लिए ला रही है, परेशानी ला रही है, कुछ बाधक तत्व ला रही है, कहां के लिए, किसके लिए, हमको गोल तक पहुंचने के लिए. तो वही क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये मैं आपको एक रिकॉल कराना चाह रही थी. गैने, देखिए गैने मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रॉबर्ट गैगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग, उसमें उनके स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी पढ़ जाते हैं. और ये जो हायरार्की इन्होंने बताई गैने साहब ने, ये कह रहे हैं कि ये जो है वो सिग्नल लर्निंग है. यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है, नीचे सबसे सिंपलर है और सिंपलेस्ट है, और ऊपर जो है वो टफेस्ट है. तो सिग्नल लर्निंग, फिर एसआर लर्निंग, एसआर लर्निंग में जब आपस में सारी एसआर जुड़ जाती है तो चेन बन जाता है, चेन बनने के बाद वो वर्बल एसोसिएशन हो जाता है, फिर हम उसमें विभेद करना सीख जाते हैं तो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. जब हम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन सीख जाते हैं, इसका मतलब कि हमारे कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये जो कंसेप्ट है वो इस कंसेप्ट से अलग है. फिर ये रूल लर्निंग, इसको प्रिंसिपल लर्निंग भी कहते हैं, यानी कि लर्निंग ऑफ कंसेप्ट और लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स भी आपके सिलेबस में है. तो कंसेप्ट लर्निंग पहले आती है, फिर प्रिंसिपल लर्निंग आती है, और सबसे उच्चतम स्तर पर देखिए क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है. यानी कि आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो थिंकिंग में हायरार्की के लेवल पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे लाई करता है, मतलब कि ये सबसे कठिनतम स्तर है सोचने का. तो ये जो कह रहे हैं यहां से शुरू होता है, मतलब मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है थिंकिंग के. और सिग्नल लर्निंग, एसआर लर्निंग, चेनिंग, यहाँ तक आपका वर्बल एसोसिएशन तक, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है. तो हम समझ भी रहे हैं कि ये सब बिहेवियरिज्म में हमने पढ़ा है, एसआर कंसेप्ट और चेनिंग और कंडीशनिंग. तो ये आपको सिर्फ एक रिकॉल करने के लिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली कहाँ लाई जाती है, मैंने ये आपको बताया, नहीं तो आप गैने वाला वीडियो फिर से सुन सकते हैं. फिर स्टेप्स इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या हमको अगर सिखाना है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी, वो हुनर उनको देना है, तो उनको क्या बताएं कि कैसे आपको चलना है, कैसे लीड करना है. तो जॉन ब्रेंसफोर्ड एंड बेरी स्टीन ने 1984 में हमको 5 स्टेप्स बताए, एडवोकेटेड 5 स्टेप्स दैट आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान के जो लक्ष्य है उससे ये जुड़े हुए हैं. दे रिफर टू दीज स्टेप्स एज आइडियल थिंकिंग एंड अरेंज देम इन द फॉलोइंग ऑर्डर. उन्होंने उसको एब्रीविएशन का नाम दिया आइडियल, मतलब हैवी थिंकिंग आइडियल अपने आप में भी उसका अर्थ है, और हम सिर्फ आइडियल याद कर लेंगे तो हमको स्टेप्स याद हो जाएंगे. जैसे आई फॉर आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना, यानी कि सबसे पहले हमको पता तो चले समस्या है क्या. फिर डी डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग दी प्रॉब्लम, जब हमने समस्या की पहचान कर ली तो हमको समस्या को क्या करना है, परिभाषित करना है कि एक्चुअली व्हाट डू वी वांट टू स्टडी, व्हाट डू वी वांट टू फाइंड आउट. फिर ई क्या है, एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, यानी कि अब हमको बहुत सारी स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा ना, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे काम करने पे हो सकता है वो स्ट्रैटेजी काम ना करे, तो हमको कई सारी संभावनाएं लेके चलना पड़ता है कि ये हो सकता है, इसका सोल्यूशन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बहुत सारे एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, जितनी स्ट्रैटेजीज पॉसिबल हो सकती है उन सब पे हमको काम करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा. और ए एक्टिंग ऑन दी स्ट्रैटेजीज, अब स्ट्रैटेजी हमारे पास, समस्या आ गई, समस्या परिभाषित हो गई, हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजी को पे काम कर लिया, अब हम स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर कर लिया, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे. फिर एल क्या है, लुकिंग बैक एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ वन्स एक्टिविटीज, यानी कि इसको फॉलो अप कह सकते हैं, स्टेज को आप इवेल्युएशन का स्टेज कह सकते हैं, कि हमको पीछे मुड़ के देखना है कि हम कहाँ से चले, कहाँ तक पहुंचे, और जो हमारे पास आया है निकल के सॉल्यूशन वो कितना फ्रूटफुल है. फिर
फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉब्लम, सॉरी, कौन से वो कारक हैं जो समस्या समाधान को प्रभावित करते हैं, या आप कह सकते हैं कि समस्या समाधान के कौशल को सीखने में बाधक होते हैं। तो जैसे कि पहला तो हो सकता है कि फैक्टर्स इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ, कि प्रॉब्लम के नेचर में ही दिक्कत है या वही कारक तत्व है। जैसे प्रॉब्लम इल डिफाइंड है, अगर इल डिफाइंड प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आप कभी प्रश्न का सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से तो ये निकल के आता है कि प्रॉब्लम जो है क्लियरली वर्डेड होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, है ना, नॉन एम्बिगुअस होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम, मतलब ये जो फैक्टर है, उसको तो हम इस लेवल पे डील कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा खास लेवल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो क्या है, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम सॉल्वर। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर यहाँ कौन है, स्टूडेंट है, हमारा सब्जेक्ट है, हम खुद हैं। तो हम खुद प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो कौन कौन सी वो फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर इनहेरेंट है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ प्रीवियस लर्निंग। हम जैसे कहा गया सबसम्पशन लर्निंग में क्या कहा गया कि हमारे पास कुछ प्रीवियस लर्निंग का लेवल होना चाहिए, उसी से जोड़ के हम नई चीज सीखेंगे। तो मान लीजिए प्रीवियस लर्निंग का लेवल एकदम बेकार है, खराब है, नहीं आप ज्यादा जानते हैं, तो आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे उस विषय में जिससे आपसे संबंधित प्रॉब्लम पूछी जा रही है। फिर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। आप में इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट, उस वो वैसी प्रॉब्लम में, जो सब्जेक्ट में वैसे ही आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी तो प्रॉब्लम हम बिल्कुल सॉल्व करने का हमारा मन नहीं करता है ना। और जिन बच्चों को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, रीजनिंग में इंटरेस्ट होता है, उनका मन करता है कि दिन भर वो मैथ्स के सवाल लगाएं, दिन भर रीजनिंग के, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उसको करने के लिए। कंप्यूटर में जिसका मन लगता है, और जिसका मन नहीं है, मतलब रुचि नहीं है और अभिप्रेरणा दोनों नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाएगी। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। वो जो प्रॉब्लम है उसको हम समझ पाए कि नहीं, क्या पूछा गया है, समस्या क्या है, उसका हमने विश्लेषण किया है कि नहीं, ये भी बताएगा कि प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व हो पाएगी। मेंटल सेट और फंक्शनल फिक्सेडनेस, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो जिनको फर्दर इलेबोरेशन की जरूरत है, उसको मैं आगे बताऊंगी आपको। बाकी मेंटल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्वर, हमारा मानसिक स्थिति बहुत खराब है, हम मेंटली लो फील कर रहे हैं, फिजिकली लो फील कर रहे हैं, तो इन स्पाइट ऑफ दिस कि हम बहुत कॉम्पिटेंट हैं, हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और द टाइम स्पेंड ऑन सॉल्विंग दी प्रॉब्लम, अगर हमको बहुत ही कम समय मिला है और प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अभी तब भी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बजाय इसके, मतलब बावजूद इसके कि हमको, हमें एबिलिटी है सॉल्व करने की। तो ये दो बातें जो सबसे खास साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं, यू कैन से कि मेंटल सेट और फंक्शनल फिक्सेडनेस, जो ऑब्स्टिकल होते हैं, जो जो फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर के पास होते हैं और हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में अनइजीनेस क्रिएट करते हैं, वो क्या है। देखिए मेंटल सेट क्या है, मेंटल सेट अ टेंडेंसी टू ओनली सी सॉल्यूशंस दैट हैव वर्क्ड इन द पास्ट। यानी कि हमारा मेंटल सेट बन जाता है कि हमको, हम ये मान के चलते हैं, हम एकदम दृढ़ फर्म रिजिड होते हैं इस बात पे कि हम सॉल्यूशन को सिर्फ उसी एंगल से देखना चाहते हैं जैसे कि पहले हमको पहले कभी वो सॉल्यूशन मिला। मतलब कहने का कि हमको पहले कभी वो प्रॉब्लम मिली तो हमको उसका सॉल्यूशन जिस तरीके से मिल गया, हम एकदम फिक्स हो जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, सेट बना लेते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो यानी कि थिंकिंग को क्या कर दिया हमने, फिक्स्ड कर दिया, रिजिड कर दिया, जबकि हमको थिंकिंग को क्या करना है, नोवेल रखना है, नया बनाना है, कुछ अलग सोचना है, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। तो दिस टाइप ऑफ फिक्स्ड थिंकिंग कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कम अप विद सॉल्यूशंस। यानी कि इस तरीके की सोच के संग जब हम जाएंगे तो हमको नई सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत होगी, एंड कैन इंपीड द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जो समस्या समाधान की प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में चल रही है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। और दिस फेनोमेना इज ऑल्सो नोन एज द आइंस्टेलंग इफेक्ट। और इस फेनोमेना को आइंस्टेलंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जब दिमाग में विषय ने, इंडिविजुअल ने बना लिया है मेंटल सेट कि हमको ये प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार एग्जामिनेशन में, हमने खराब परफॉर्म किया था, तो हम इस तरीके से निकल कर आए थे, ये वाला सोल्यूशन काम किया था। तो हमेशा जब कोई दिक्कत इस तरीके की आती है तो हमको लगता है वही सोल्यूशन वर्क करेगा, पर ऐसा नहीं होता है। हर बार हमको दूसरी तरीके से सोचना होता है, कुछ सिचुएशन बदल जाती है तो उसी हिसाब से सोल्यूशन भी बदलते हैं। उसी तरह से फंक्शनल फिक्सेडनेस। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है, इट्स व्हाट कॉल्ड ए कॉग्निटिव बायस। देखिए कितना अच्छा शब्द है, बायस तो हम होते हैं, लेकिन कॉग्निटिव बायस यानी कि दिमाग में हमने वो बायसनेस रख ली है। जैसे दिस मीन्स दैट वंस ब्रेन इज यूज टू थिंकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग इन ए स्पेसिफिक वे। यानी कि हमारा ब्रेन यूज टू है कि जब जब वो समस्या आती है हम उसको उसी तरीके से सोचते हैं और उसी तरीके से हल निकल जाता है। दोनों काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, विच लिमिट्स योर एबिलिटी टू थिंक ऑफ इट इन ए न्यू और इनोवेटिव वे। तो क्या होता है कि हमारी वो जो सोच है जो हमको नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती है, वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है, क्योंकि हमको लगता है कि हर बार हम वैसे ही सोचेंगे तो हल निकल आएगा। इट इज द परसीव्ड इनएबिलिटी ऑफ समवन, यानी कि ये हमारी अयोग्यता है जो हमने परसीव कर लेती है टू यूज एन ऑब्जेक्ट फॉर समथिंग अदर देन इट्स ओरिजिनल इंटेंडेड पर्पस, है ना। ये आप कह सकते हैं इसमें बहुत कुछ ये क्रिएटिविटी से मिलता जुलता है
कि आपने मान लिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो एक इंटेंडेड पर्पज है, मतलब जिसके लिए वो बनाया गया है, उसी तरीके से वो यूज किया जाएगा, हमारे दिमाग में फिक्स्ड हो गया एकदम। हम बिल्कुल नहीं सोच सकते कि उसका कोई अलग यूटिलाइजेशन है, उसको कोई अलग तरीके से सोचा जा सकता है, उसका कोई अलग यूसेज हो सकता है, ये फंक्शनल फिक्सनेस है। तो ये दो भाव अगर प्रॉब्लम सॉल्वर के पास है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी में बिल्कुल भी अच्छा खरा नहीं उतरेगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर यूजफुल स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्या करें हम, क्या सिखाएं, किसका प्रैक्टिस कराएं क्लास में अपने स्टूडेंट्स को जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक्स, ये दो बहुत मेन पॉपुलर हैं, उसके अलावा भी कई हैं पर ये तो बहुत ही ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए। एल्गोरिदम क्या है कि एन एल्गोरिदम इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला। देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला है दैट प्रोवाइड्स यू विद स्टेप बाय स्टेप स्टेप इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम, यानी कि हमको ये बताता है स्टेप बाय स्टेप, हमको निर्देश देता है जिससे कि हम डिजायर्ड आउटकम तक पहुंच सकें। वन कैन थिंक of an algorithm as a recipe with highly detailed instructions that produce the same result every time they are performed. देखिए, algorithm हमारे उसमें भी होता है, कंप्यूटर में, उसके गूगल क्रोम में, जैसे ही हम सर्च करते हैं तो वो हमको इतने सारे रिजल्ट दे देता है ना, उससे मिलते जुलते, हर बार सेम सेट ऑफ रिजल्ट, सेम सेट ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो ये हमको हेल्प करता है कि डिजायर्ड आउटकम तक आने में, यानी कि हमको अगर पूरी चीज नहीं भी पता हो और हमको सिर्फ उतना ही पता हो तो हम पहुंच जाते हैं अपने सोल्यूशन तक, क्योंकि हमको उसने हेल्प कर दिया। फिर ह्यूरिस्टिक्स क्या कह रहा है कि व्हाइल एन एल्गोरिदम मस्ट बी फॉलोड एग्जैक्टली टू प्रोड्यूस ए करेक्ट रिजल्ट, यानी कि एल्गोरिदम को तो हमको बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना है तभी हम करेक्ट रिजल्ट पे पहुंचेंगे, बट इन ह्यूरिस्टिक इट इज अ जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क, यानी कि ये बहुत जगह यूज किया जा सकता है जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। यू कैन थिंक ऑफ दीज एज मेंटल शॉर्टकट्स दैट आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि ये मेंटल शॉर्टकट्स हैं, यानी कि हमको बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ता और हमको बस जैसे रूल ऑफ थंब पता है ना, रूल ऑफ थंब इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूरिस्टिक, कि ऐसे ही करना है। अब इसके पीछे का हम लॉजिक नहीं देखते, इसके पीछे की हम थ्योरी नहीं देखते, प्रैक्टिस नहीं देखते, बस हमको रूल ऑफ थंब पता है कि ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन है। तो इस तरीके से ये एक मेंटल शॉर्टकट है। वर्किंग बैकवर्ड्स इज अ यूजफुल ह्यूरिस्टिक, अगर हमको वर्किंग बैकवर्ड्स का क्या मतलब कि हम एंड रिजल्ट को फोकस करके काम करें, बीच की प्रोसेसेस पे ज्यादा ध्यान ना दें, बस फोकस पे ध्यान रखें तो हम जल्दी समस्या के समाधान तक पहुंच जाएंगे। उसी तरह से अनदर यूजफुल ह्यूरिस्टिक इज द प्रैक्टिस ऑफ अकॉम्प्लिशिंग ए लार्ज गोल, बहुत बड़ा गोल हम लेके चले हैं तो कैसे पूरा गोल अचीव होगा, क्या करें कि उसको ब्रेक कर लें, खुद ही बना लेना कि पहले ये अचीव करेंगे फिर ये अचीव करेंगे फिर ये अचीव करेंगे, तो हम लार्ज गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। तो अनदर यूजफुल ह्यूरिस्टिक इज द प्रैक्टिस ऑफ अकॉम्प्लिशिंग अ लार्ज गोल और टास्क बाई ब्रेकिंग इट इंटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर स्टेप्स, तो कई छोटे 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 स्टेप्स हम क्रॉस करते चलेंगे तो बड़ी बाधा पार हो जाएगी। आई थिंक आई हैव कवर्ड। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या बातें खास जानने की, कि गैने की हायरार्की के हिसाब से उच्चतम स्तर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि ये मेंटल हायर मेंटल फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हमको सिखानी है स्टूडेंट्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या स्टेप्स हैं, आइडियल है, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, फिर एक्ट करेंगे और लास्ट में लुकिंग बैकवर्ड। फिर उसके बाद हमारे कई सारे क्या हैं, प्रॉब्लम्स है, फैक्टर्स है, जिसमें से मेंटल सेट ऑफ फंक्शनल फिक्सनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर फैक्टर्स है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमको क्या करना है, इन फैक्टर्स को ओवरकम करना है, और स्ट्रेटजीज एल्गोरिदम ह्यूरिस्टिक्स और कुछ भी और हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या कह रहा है, रिफर्स टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद इन ए मॉडल ऑफ द सिचुएशन बिफोर अप्लाइंग इट टू रियलिटी, यानी कि हम रियल वर्ल्ड में जाने से पहले पहले उसको एक मॉडल पे अप्लाई करके देख लें, अगर हमें लगे कि हाँ ये वर्केबल है तब हम रियलिटी पे अप्लाई करें। एनालॉजी, यूजिंग अ सोल्यूशन दैट सॉल्व्स अ सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम में अगर वो सोल्यूशन मिला है तो हम उस सोल्यूशन को यहाँ ला के देखते हैं कि हो सकता है इसको भी सॉल्व कर दे। डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर का वही मतलब है कि बड़ा सा गोल है उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करें और एक एक को जीतते चलें। लेटरल थिंकिंग, अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स इनडायरेक्टली एंड क्रिएटिवली बाय व्यूइंग द प्रॉब्लम इन ए न्यू लाइट, कई बार होता है वही प्रॉब्लम हम उसी तरीके से सोचते हैं हमको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन अचानक से किसी दिन नोवेल तरीके से क्रिएटिव तरीके से उसको न्यू लाइट में देखें, नए प्रकाश में नए तरीके से देखें तो हमें लगता है कि अच्छा इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। मीन सेंस एनालिसिस, चूजिंग एंड एनालाइजिंग इन एक्शन एट ए सीरीज ऑफ स्मॉलर स्टेप्स टू मूव क्लोजर टू द गोल। रिडक्शन, हम घटा दें, कैसे, अडेप्टिंग द प्रॉब्लम टू सिमिलर प्रॉब्लम्स वेयर अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, हम क्या करें प्रॉब्लम को सिमिलर प्रॉब्लम के अडेप्टेशन में ले आ दें, मतलब अनुकूलन कर दें उसका, जहां का कि सोल्यूशन हमको पता है, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता है तो उस प्रॉब्लम को उस सिचुएशन में ले जाएं जिसका सोल्यूशन हमको पता है। फिर रिसर्च, हम रिसर्च की उसमें फाइंडिंग्स अप्लाई करें। रूट कॉज एनालिसिस, जड़ को खोजें कि जड़ क्या है, अगर रूट कॉज पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके के इन्यूमरस स्ट्रैटेजीज हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूजफुल होती हैं। ओके, छोटा टॉपिक है लेकिन छोटी सी बात भी पूछ दी जाएगी तो
तो हम नहीं बता पाएंगे गैनेमिक कहाँ है, हायर है, कौन सी एबिलिटी यूज होती है, किसने डिस्क्राइब किया, कौन से इसके स्टेप्स हैं, लास्ट वाला स्टेप क्या है, फंक्शनल फिक्सनेस क्या है, मेंटल सेट क्या है, बहुत सारी चीजें. और सब्जेक्टिव में तो बहुत पूछते हैं शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हाउ डू यू इनकलकेट दिस स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन योर स्टूडेंट्स, और इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं इस पर. तो आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए. ओके तो सॉरी, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एक्सप्लोर एजुकेशन 2. ओके, डन फ्रॉम माई साइड.